अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस मुख्तार सर विद पार्ट नंबर टू. पार्ट टू ऑफ टॉपिक इंडस्ट्रीज. ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं क्लास एट्थ के लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर टू विद द टाइटल मेजर इंडस्ट्रीज. तो मेजर इंडस्ट्री में हमारे पास तीन, देर आर थ्री मेजर इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड: आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT. सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. लुक एट दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ये रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और ब्रॉडली ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज दो टाइप्स की होती हैं. मतलब अगर हम देखें, एक होते हैं प्राइमरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और दूसरी होती है सेकेंडरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में मिनरल्स को प्रोसेस करके स्टील, आयरन एंड स्टील तैयार किया जाता है, उनको हम प्राइमरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बोलते हैं. उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जिन इंडस्ट्रीज में ले जाके प्रोसेस करके आयरन एंड स्टील की चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही कहा जाता है, बट उनको हम सेकेंडरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का नाम देते हैं. जब हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम देखते हैं, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें इनपुट की शक्ल में इस्तेमाल की जाते हैं और प्रोसेसिंग के दौरान, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, हम इन मिनरल्स को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल प्रोडक्ट्स में, आयरन एंड स्टील में इसको तब्दील करते हैं और अल्टीमेटली हमें आउटपुट की शक्ल में क्या मिलता है? यस, आयरन एंड स्टील. जो रॉ मटेरियल होता है इसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है जहां पर स्मेल्टिंग की जाती है. व्हाट इज बेसिकली स्मेल्टिंग? टू एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स, एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स फ्रॉम द मिनरल्स. हम जब प्रोसेस करेंगे तो वहां पर हम ये मिट्टी जैसा जो ये ओर होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, इसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद यहां से हमें आयरन एंड स्टील, आयरन जो है हासिल होता है, इसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग. और इसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है और आउटपुट की शक्ल में हमें स्टील हासिल होता है. और ये रॉ मटेरियल होता है बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज का जहां पर आयरन एंड स्टील या स्टील से जो है, आयरन से जो है बाकी सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं. तो ये प्रोसेसिंग और आउटपुट के दरमियान होता है. स्टील जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है. व्हेन वी लुक एट द प्रेजेंट वर्ल्ड, एवरी सिंगल इकोनॉमी इज डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ आयरन एंड स्टील के ऊपर, क्योंकि इसके बगैर किसी भी इकोनॉमी का आगे डेवलप होना मुमकिन ही नहीं है. स्टील की खास अल्लाह ताला ने सिफत रखी है, इट हैज सम करैक्टरिस्टिक फीचर्स, क्योंकि ये बहुत टफ भी होता है और इसके अलावा इसको हम इजीली अलग अलग शेप्स में डाल सकते हैं. वी कैन कट इट और इसको हम छोटी वायर्स में भी तब्दील कर सकते. अलग अलग किस्म के एलॉयज इसमें तैयार किए जाते हैं, क्योंकि जब हम आयरन एंड स्टील के साथ कुछ दूसरे केमिकल्स को मिला के मैन मेड मेटल तैयार करते हैं जिसको हम एलॉय बोलते हैं, वो सामने आ जाता है, जिससे भी हमारी इकोनॉमीज को डेवलप होने का मौका मिल जाता है. इसके बाद जो है हम इसमें अलॉय के टाइम पे इसमें एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आयरन के साथ, तब जाके हमारे पास एलॉय हासिल होता है. ये टफ भी होता है, इसमें रस्ट वगैरह भी नहीं लगता है, ये रेजिस्ट फ्री जो होता है, रस्ट फ्री रहता है और इसकी टफनेस जो होती है बहुत सॉलिड होती है. ये एक मैन मेड जो है मेटल है जिसको हम एलॉय बोलते हैं, ये एक मैन मेड एलॉय है. लेकिन हासिल कहाँ से होता है? उन्हीं मेटल से जो हम नेचुरली हासिल करते हैं, लेकिन उनकी हम मिक्सिंग करते हैं उस खास तरीके से. देयर आर सम वेज थ्रू विच वी कैन गेट दिस मैन मेड एलॉय. अगर हम देखें बिफोर 1800 जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती थी, उनकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, वो रॉ मटेरियल के साथ जुड़ी होती थी, पावर सप्लाई के साथ जुड़ी होती थी, या पावर के साथ जुड़ी होती थी, या हम कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं बिफोर 1880 जो हमारे 18वीं सदी है, उससे पहले जो है लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के कहां पर होती थी? जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल रहता था, जहां पर पावर, सस्ता पावर अवेलेबल रहता था, जहां पर पानी अवेलेबल रहता था. बट व्हेन वी लुक एट द प्रेजेंट वर्ल्ड ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम कहीं भी इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना नाउडेज इट इज़ वेरी इजी. पानी को आप कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं, आप डेजर्ट के किसी कोने में भी आप इसको ले जा सकते हैं थ्रू पाइपलाइन से. हाँ जी, हैं. इसके अलावा जो है पावर सप्लाई, अरे यार, आपके पास अलग अलग सोर्स ऑफ पावर सप्लाई नाउडेज है जिनका इस्तेमाल करके आप जो है कहीं भी जो है इंडस्ट्री लगा सकते हैं. लेकिन पुराने जमाने में ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती. दैट इज वाई बिफोर 1800 दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द रॉ मटेरियल्स, पावर एंड द रनिंग वाटर या वाटर सप्लाई जिसको हम कहते हैं.
अगर हम हिंदुस्तान सॉरी अगर हम देखें जो स्टील प्रोडक्शन सेंटर्स हैं हिंदुस्तान में, वो बिलाई जो है स्टील प्लांट है, दुर्गापुर, बुरनपुर, जमशेदपुर, रोहिलखेला, बोकारो, ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, सिचुएटेड इन द रीजन्स दैट स्प्रेड ओवर फोर स्टेट्स। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम सारी जगहों को देखें, ये सिर्फ चार स्टेट्स में हमें देखने को मिलती हैं सारी जगह, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मेरा सवाल आपसे है, व्हाई वी हैव ऑल दिस इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़? पता है सर क्यों? मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसके पीछे कारण है उस इलाके की टोपोग्राफी, वहाँ पर मिलने वाला रॉ मटेरियल, वहाँ पे मिलने वाला एबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, चीफ लेबर, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इन्हीं की बुनियाद पे हमें इन्हीं चार स्टेट्स में मेजर इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स देखने को मिलते हैं। भद्रावती और विजयनगर जो है कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सालिम इन तमिलनाडु, ये कुछ और इंपॉर्टेंट मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं हिंदुस्तान में, जो लोकली अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं आयरन एंड स्टील के, उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टाटा स्टील इंडस्ट्री को हम देखें, टिस्को जिसको हम बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो लिमिटेड है, व्हेन यू लुक एट दिस इंडस्ट्री, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1947 से पहले हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही आयरन एंड स्टील प्लांट हुआ करता था, टिस्को। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारे जो है आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग स्टील जो है इंडस्ट्रीज बनवाई गई, क्योंकि हिंदुस्तान जानता था कि विदाउट हैविंग वेल एस्टैब्लिश्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इकोनॉमी को आगे ले जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जब हम बात करते हैं, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1907 एट साक्षी, जो बाद में जमशेदपुर के नाम से मशहूर हो गया, साक्षी में बनवाया गया। और 1912 आते आते इसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। बट व्हेन वी लुक एट द अर्लियर पीरियड ऑफ दिस वेरी इंडस्ट्री, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट फेस्ड अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन इट्स अर्लियर पीरियड। लेकिन खुशकिस्मती से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मौका मिल जाता है डेवलप होने का, क्योंकि हिंदुस्तान में जो अंग्रेज था, जो ब्रिटिशर था, उसकी सप्लाई बंद हो गई थी स्टील की, आयरन की, जो इंग्लैंड से आती थी, बिकॉज दोज इंडस्ट्रीज विच वेयर देयर इन इंग्लैंड, दे वेर बिजी इन मेकिंग the warfare equipments for the army of the England. लेकिन यहाँ पर जो requirement थी iron and steel industry की, वो पूरी नहीं हो रही थी, और because of that they turn to Tisco, Tisco की तरफ मुड़ जाते हैं। और आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी, by 1919 आते आते 90% जो iron and steel हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता था ब्रिटिशर्स के जरिए से या लोकल्स के जरिए से, उसका 90% जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील देता था। ये जो है कॉन्फ्लेक्स ऑफ रिवर सबरनिखा और जो है वहाँ पर मिलता है, ये वहाँ पर देखा जाता है, और कारकाई, ये दो रिवर्स हैं वहीं पे, ये साक्ची या जमशेदपुर इलाका पाया जाता है झारखंड में। ज्योग्राफिकली जमशेदपुर जो है ये बहुत कन्वीनियंट है आयरन एंड स्टील के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाते हैं जो आयरन एंड स्टील के हवाले से ज़रूरी होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, लेबर हो, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है सर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का हम बात करते हैं तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम देखें तो जर्मनी पहले नंबर पर, USA, जापान, रशिया और चाइना, ये मैंने पहले भी आपसे कहा था, दीज आर द नोन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी हैव वेल एस्टैब्लिश्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लीडिंग प्रोड्यूसर जो है दुनिया में वो USA है प्रेजेंटली, और लीडिंग प्रोड्यूसर जो इंडिया में है आयरन एंड स्टील का, कैन यू नेम द स्टेट? यस, इट इज झारखंड। ओके सर, इसके बाद पिट्सबर्ग का आपने नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। पिट्सबर्ग जो है लोकेशनली, या अगर हम इसके ज्योग्राफिकली देखें, इसकी लोकेशन बढ़िया है, रॉ मटेरियल जो या कोल जो इस्तेमाल किया जाता है इस पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, वो ज़्यादा दूर नहीं है, लोकली अवेलेबल है। आयरन ओर को जो है कोल, आयरन ओर माइनस जो वहाँ पर है मिनेसोटा इलाके से उस आयरन ओर को लाया जाता है पिट्सबर्ग के लिए, जो ज़्यादा दूर नहीं है, 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। लेकिन वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये 1500 किलोमीटर तक आयरन ओर को ले जाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर शिपिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, क्योंकि ग्रेट लेक्स वाटरवेज जो हैं उनका भी इस्तेमाल पिट्सबर्ग में किया जाता है, चाहे वो रॉ मटेरियल को लाना हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लाना ले जाने का काम हो।
ठीक है सर। इसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी इनपुट्स की शक्ल में कुछ चीजें होती हैं। इनपुट्स की अगर हम बात करें, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल और साइट, ये इनपुट्स कहलाते हैं। इनका होना बहुत ही जरूरी है, बट ऑल सच थिंग्स आर कॉल्ड इनपुट्स। प्रोसेसिंग में हम नॉर्मली वही करते हैं इंडस्ट्री में कि हम आयरन ओर को स्टील में तब्दील कर देते हैं और आउटपुट की शक्ल में हमारे पास आयरन एंड स्टील आ जाता है और उसके बाद मनी उसमें ऐड हो जाता है, ये आउटपुट की शक्ल में हमें मिल जाता है। आयरन